हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं वेज मंचूरियन, जो कि फटाफट बनने वाला है और सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो हमने क्या करा है, 1.5 कप पत्ता गोभी लिए, उसे बारीक कटिंग कर लिया है, उसका पानी निचोड़ कर निकाल दिया है। अब हमने एक अदरक का टुकड़ा लिया है और उसे हम बारीक पीस लेंगे। साथ ही हमने तो हरी मिर्च ली है, उसे भी अच्छे से पीस लेंगे। आप अगर चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 4 चम्मच बेसन डाला है इसमें, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है, पत्ता गोभी पानी ज़्यादा छोड़ता है, तो हमें थोड़ा सा जब बेटर लगाते हैं तो थोड़ा सा देख लेना है, नरम होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 चम्मच के करीब आला रोट डाल देंगे। थोड़ा मुझे नरम ही लग रहा था बेटर, तो मैंने 1 चम्मच आला रोट डाला है और इसे अच्छे से मिला देंगे। और अच्छे से मिलाना है इसे। जब तक क्या करते हैं, हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेते हैं और अब हम इसकी बॉल बनाकर देख लेंगे। तो जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें हमारी जो बॉल्स थी, गोल गोल बॉल बनाई थी। इस बार क्या करेंगे, हम थोड़ा हलवाई स्टाइल बनाएंगे। तो हलवाई क्या करते हैं, पकोड़े की तरह ही मंचूरियन बनाते हैं, तो हम भी आज इसी तरीके से बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमारे मंचूरियन बन रहे हैं, और हम इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम ही रखेंगे। हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई नहीं करना है, वरना ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें इन्हें पकाते हुए। और ये लीजिए, हमारे मंचूरियन पक गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमें मंचूरियन को ज़्यादा डार्क नहीं करना है, वरना हमारे मंचूरियन कड़वे बनेंगे। तो हमें, आप देख सकते हैं, मीडियम कलर ही रखना है इसका। और अब हम इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो 1.5 कप पानी लिया है हमने, और अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें मसाला है हमारे पास, तो वेज मंचूरियन मसाला मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाता है, तो आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। तो ये मिल गया है अच्छे से, इसमें सभी मसाले होते हैं, नमक मिर्च वगैरह, हमें कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बस एक पैन गरम कर लेंगे, उसमें डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल। तो हमने पोहे खाने की 2 चम्मच ली है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है हमें। और इसके बाद हमने 8 से 10 लहसुन ली थी, तो उन्हें बारीक बारीक कटिंग कर लिया है, और इन्हें पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद हमने शिमला मिर्च, प्याज और गाजर की भी कटिंग कर रखी थी, तो ये भी मिला देंगे हम इन्हें। और इसको 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है, और अगर हाई फ्लेम पर पकाते हैं तो 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छे से पक जाएंगे। और इसमें कुछ भी मसाला मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मसाला हम डाल रहे हैं इसमें सभी मसाले मिले हुए हैं। तो बस हम इसमें जो मसाला हमने घोल तैयार करा था वो डाल दिया है, और 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 2 मिनट बाद इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, तो हम मंचूरियन इसमें डाल देते हैं और इसे पका लेते हैं। 4 से 5 मिनट में ही हमारे मंचूरियन पक जाएंगे अच्छे से, जो इसका पानी है ये एब्जॉर्ब कर लेंगे मंचूरियन। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बस अब हम इसे, हमारे पास अगर हरा प्याज है तो आप उसे गार्निश कर सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है तो मैं ऐसे ही इसे प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। तो बस गर्मा गर्म खाइए, बहुत ही टेस्टी बने। उसके बाद ही कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।